हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्राइव पर पासवर्ड लगाने के बारे में कि किस प्रकार से हम ड्राइव के ऊपर पासवर्ड अगर लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक ड्राइव पर पासवर्ड लगा रखा है, ये देखिए, ये लोकल डिस्क डी है। अगर मैं इसे खोलना चाहता हूँ तो ये पासवर्ड मांग रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने ड्राइव पर पासवर्ड लगा रखा है। आप सिर्फ सी ड्राइव पे अभी पासवर्ड नहीं लगाएंगे और नहीं लगा पाएंगे, और डी ई एफ जो भी ड्राइव इसके अलावा आपने बनाई है उन पे आप पासवर्ड लगा सकते हो। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने पासवर्ड डाला और इसको अनलॉक किया और ये देखिए ये अनलॉक हो गया है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके पहले मैं जब मैं ओपन कर रहा था तो ये ओपन नहीं हो रहा था। तो कैसे इस पर हम पासवर्ड लगा सकते हैं उसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ई ड्राइव पे पासवर्ड लगा के दिखाता हूँ। राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करते ही आपको दिखेगा टर्न ऑन बिट लॉकर, इस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर यह विंडो खुल करके आ जाएगी और यहाँ पर इस पर टिक कर दीजिएगा यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव। और टिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड हम डालने वाले हैं, तो यहाँ पे चलिए पासवर्ड डालते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड आपका 8 या 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड डाल दिया और फिर मैं इस पासवर्ड को दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। रिपीट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा टाइम लेगा पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने में, इसे आप देख सकते हैं हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सी ड्राइव पर आप पासवर्ड इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं। अगर आप इसकी रिकवरी लेना चाहते हैं तो यहां से फ्लैश ड्राइव में या रिकवरी जिस भी फाइल में आप रिकवरी लेना चाहते हैं तो रिकवरी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी रिकवरी नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से आप पासवर्ड लगा सकते हो। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, राइट क्लिक कीजिएगा, टर्न ऑन बिट लॉकर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पासवर्ड लगाइएगा। ये देखिए मैं आपको फिर से लगा के दिखाता हूँ और इसी पासवर्ड को रीटाइप करना है और ये हो गया हमारा। अब इसकी रिकवरी लेनी है तो रिकवरी में मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये सेव रिकवरी, कहीं इसको सेव करना है, देखिए यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, ये सेव हो गई। अब इसको नेक्स्ट करिए और स्टार्ट इनक्रिप्टिंग। अब ये इनक्रिप्ट होने लगा है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और इनक्रिप्ट होते ही ये जो है पूरी तरह से पासवर्ड से लॉक हो जाएगा और इसको भी आप खोल नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये पासवर्ड हटाना हो तो कैसे हटाएंगे ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखिए ये इनक्रिप्शन चालू हो गया है और जैसा निशान इस पे बन के आ रहा है वैसा ही निशान इस पे भी बनने लगा है। देखिए ये वाला लॉक नहीं है तो इस पर कोई निशान बना नहीं है अभी, और ये वाला लॉक है, ये दोनों लॉक हो गया है तो इस पर इस तरह का निशान बन गया है। अभी ये इनक्रिप्ट हो ही रहा है, ये थोड़ा टाइम लेता है इनक्रिप्ट होने में, ठीक है। और जैसे ही ये इनक्रिप्ट हो जाएगा ये पूरी तरह से पासवर्ड से लॉक हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल देखिए जैसे ये है ना, इसको हम ओपन करने की कोशिश करें तो ये ओपन हो जा रहा है अभी, चूंकि मैंने अभी खोला है इसे तो ये ओपन हो जा रहा है। अब ये वाला इनक्रिप्ट हो रहा है, तो जब ये इनक्रिप्ट हो जाएगा तो इसे भी आप खोल नहीं पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।